अब बात आती है बीज की कि आखिर बीज कहाँ से लाएं और कौन सी किस्म आपके लिए उपयुक्त है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आलू का बीज खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि बीज हमेशा किसी विश्वसनीय स्रोत जैसे बीज उत्पादन एजेंसी, राज्य के कृषि व उद्यान विभाग, बिहार बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से ही बीज खरीदें। इसके अलावा अगर आप खुद के उत्पादित बीज का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक 3 से 4 साल बाद बीज को अवश्य बदल लें। अब बात प्रभेदों की चयन की। किसान भाई, आप अपनी इच्छा, बाजार में मांग और आवश्यकता के अनुसार प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। अगर आप अगेती किस्म लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, ये प्रभेद 80 से 100 दिनों में परिपक्व हो जाता है और इसकी औसत उपज 200 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्यम किस्मों के लिए राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, राजेंद्र आलू 3, कुफरी कंचन जैसे किस्मों को अपने खेतों में लगा सकते हैं। ये प्रभेद 100 से 120 दिनों में तैयार होकर औसतन 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और पछेती किस्मों के रूप में कुफरी सुंदरी, कुफरी अलंकार, कुफरी सफ़ेद, कुफरी चमत्कार, कुफरी देवा और कुफरी किसान जैसे प्रभेदों का चुनाव कर सकते हैं। ये सभी प्रभेद 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता औसतन 250 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, अगर आप आलू से चिप्स बनाने के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अलग से प्रभेद अनुशंसित किए गए हैं, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3 और कुफरी आनंद। ये सभी प्रभेद 100 से 110 दिनों में तैयार होकर औसतन 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देता है।